अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अली फ्रॉम मास्टेक। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ P20 Lite और OPPO के F7 का स्पीड टेस्ट। सबसे पहले फोन्स को करेंगे ऑन, फिर बताएंगे आपको स्पेसिफिकेशन का। स्पेसिफिकेशन के अंदर आता है P20 Lite में 4GB रैम, 64GB स्पेस और सेम ही आपको रैम और रोम देखने को मिलती है OPPO F7 में। प्राइस में मिलता है दोनों में आपको थोड़ा सा डिफरेंस। OPPO मिलता है आपको 40,000 का OPPO F7 मिलता है और आपको मिलता है 36,000 का P20 Lite। दोनों ही फ़ोन अप्रैल 2018 में पाकिस्तान में अवेलेबल हुए। दोनों फोन्स को देखेंगे सबसे पहले ऑन कौन होता है। और आज के इस टेस्ट में मैं आपको बताता हूँ जो मैंने सबसे पहले इंक्लूड किया है स्पीड टेस्ट, फिर इंक्लूड किया है इसका मेमोरी मैनेजमेंट टेस्ट, उसके बाद मैंने चेक किया है इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट, उसके बाद मैंने आपको दिया है रिव्यू, गेमिंग रिव्यू। तो OPPO F7 ऑन हो गया है। OPPO F7 के अंदर आपको मिलता है हीलियो P60 का प्रोसेसर और P20 Lite में आपको मिलता है 659 किरिन का। पावर एफिशिएंट पर प्रोसेसर है OPPO F7 का। आज की इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, देखिए कौन सा विनर फोन होता है कौन सा नहीं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें नोटिफिकेशन बेल आइकन के साथ, और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। ये दोस्तों सबसे पहले करेंगे इसका स्पीड टेस्ट। दोनों फोन्स के अंदर टैब मैंने ओपन कर दिए हैं, दोनों टैब में कुछ नहीं है। सबसे पहले करेंगे एक गेम को, करेंगे यहाँ OPPO F7 एक नंबर ले गए। अब करते हैं कंटिन्यू इस टेस्ट को। हाँ दोस्तों OPPO F7 मुझे बहुत बेहतर लगा P20 Lite से। अब बात करते हैं रैम मैनेजमेंट की। तो रैम मैनेजमेंट में मैं आपको जो मैंने टैब्स ओपन किए, जो मैंने इसके अंदर यूज़ की एप्लीकेशन, देखते हैं कि इनकी मेमोरी में ये कितनी जल्दी रह पाती है। तो स्पीड में तो OPPO F7 नंबर ले गया। अब रैम मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है कि P20 Lite कुछ टफ टाइम दे सकता है कि नहीं। यहाँ P20 Lite ने पहली ऐप प्रॉपर लोड की है गेम की। अब आगे आपके सामने है जो चीज़ भी होगी। मुझे OPPO F7 स्पीड वाइज बहुत बेहतर लग रहा है एज़ कम्पेयर टू P20 Lite। अब करते हैं 8x4 को। तो इसमें भी OPPO F7 के अंदर गेम पहले लोड ही, क्योंकि OPPO अपना एक गेम लॉन्चर इस्तेमाल करता है आजकल सॉफ्टवेयर में।
तो ओप्पो एज अ प्रोसेसर गुड डिवाइस होगी। अब अगले टैब्स की तरफ ले चलते, तो ये एक गूगल क्रोम ओपन किया, तो गूगल क्रोम में भी दोनों तकरीबन बराबर ही ओपन हुए। अब ओपन करते हैं फेसबुक को, तो फेसबुक भी तकरीबन लगभग दोनों ने सेम ही टाइम में ओपन किया। अब करते हैं गेम को ओपन, तो यहाँ ओप्पो F7 की रैम मैनेजमेंट मुझे बहुत बेहतर लगी, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट्स हैं इस स्पीड टेस्ट के और रैम मैनेजमेंट टेस्ट के ओप्पो F7 के, ये भी तकरीबन बराबर रहा। यहाँ भी दोनों बराबर ही रहे। अब करते हैं आगे ऐप्स को, रैम मैनेजमेंट दोनों की तकरीबन बराबर है। अदरवाइज अगर प्रोसेसर को लेकर देखूं तो मुझे ओप्पो F7 का प्रोसेसर बहुत बेहतर लगा। दोस्तों ये था इसका रैम मैनेजमेंट टेस्ट। मुझे ओप्पो F7 काफ़ी स्पीडी लगा, P20 Lite से प्रोसेसर मुझे बहुत बेहतर लग रहा है ओप्पो F7 का, आपको भी अंदाज़ा हो रहा होगा। अब चलते हैं वीडियो के अगले हिस्से में बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में। बैटरी ड्रेन टेस्ट के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट जो किया है इसका, वो किया है वीडियो रिकॉर्डिंग पर। ओप्पो F7 है 51% पर और P20 Lite है 68% पर। अब मैं इन दोनों के ही रियर कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। ये वीडियो होगी 1080p पे रिकॉर्डिंग, सेटिंग्स में आपको दिखा दूंगी, ये 1080p पर ही अवेलेबल है और ओप्पो F7 में भी है 1080p। दोनों की रिकॉर्डिंग करूंगा मैं राउंड अबाउट 5 मिनट्स के, और फिर आपको बताऊंगा कि दोनों कितने फ़ोन बैटरी ड्रेन करते हैं कितने नहीं। दोस्तों मेरे साथ बने रहिएगा, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे इन कमेंट सेशन बताइएगा कि आपको मेरा ये बैटरी टेस्ट और ड्रेन टेस्ट आपको पसंद आया भी कि नहीं। आप देखेंगे तो बैटरी इसकी हो गई है, वीडियो हो चुकी है 2:45 की और यहाँ पर हो चुकी है 2:55 की। दोस्तों मैंने थोड़ी सी वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की, एडिटिंग के बाद मैंने अपनी वॉइस ऐड की है इसके अंदर ताकि आपका टाइम सेव हो सके। तो चलते हैं आगे, अब इन दोनों की वीडियो को करते हैं पॉज। 5 मिनट की वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ देखें कि ओप्पो F7 में 5 मिनट की वीडियो टोटली कंप्लीट है और P20 Lite में भी आपको 5:02 की वीडियो मिली। अब देखते हैं दोनों के अंदर आपको बैटरी कितनी ड्रेन होती हुई नज़र आ रही है। जी हाँ दोस्तों, 51% थी ओप्पो F7 की, तो अब बैटरी है इसकी रिमेनिंग आपको थोड़ा सा मेरा 49% है बैटरी ओप्पो F7 की, 2% डाउन की ओप्पो F7 में, और मेटन लाइट में भी मुझे कुछ ज़्यादा ड्रेन बैटरी होती हुई नज़र नहीं आ रही। मेटन लाइट में है 66%, तो बात की दोनों की ही बराबर है। चलिए दोस्तों बात करते हैं अब गेमिंग रिव्यू की, तो P20 Lite और ओप्पो F7 में दोनों में ही मुझे गेमिंग खेलने को प्रॉपर मिली। ये गेम मैंने प्ले की है एस्प्लेट नेटवर्क जो कि GPU पे बड़ा लोड डालती है। P20 Lite में मुझे थोड़ी सी हीटिंग फील हुई क्योंकि इसका जो प्रोसेसर है वो 16 नैनोमीटर पर बना हुआ है और ओप्पो F7 का बना हुआ है 11 नैनोमीटर पर। ओप्पो F7 प्रोसेसर वाइज बहुत बेहतर डिवाइस रही, P20 Lite में थोड़े से लैग्स भी देखने को मिले और स्पीड टेस्ट आपके सामने है कि P20 Lite ओप्पो F7 से बहुत पीछे रहा। तो ये था एक स्पीड टेस्ट, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, उम्मीद है तो हम याद रखेंगे। मैं हूँ अली अब्बास मास्टेक से, अल्लाह हाफिज़।